ये सबसे फादरी बाजार यहाँ पे जाम लग रखा है फादरी बाजार में। सेकंड बाकी 36 34 33 फोन पर चलाते हुए बाइक हाई स्पीड लड़ने का स्पीड रहा है बजाने से सड़क का काम चल रहा है दबा के दबा के यहाँ पर मोदी पूरे लोग पे फुल क्या है कितने का हो गया। अच्छा भाई ये पीला वाला कितने का है? पीला वाला कितने का है? 850 का पीला वाला। और ये वाला कितने का है? सर ये कितने का है? सब 850 का है। कब तक रहते हैं यहाँ पर? शाम को शाम तक रहते हैं 7 बजे तक। 7 बजे तक? बस 7 बजे तक। चलिए ठीक है, आता शाम को 850 के जितना भी है। हाँ चलिए ठीक ठीक। अरे गुलाब वाला कितने का हो? ये भी उतने का ही है भाई। मोदीपुर में यहाँ पर भी रेड लाइट है, यहाँ पर भी चाय में फुलकाते हैं। सिवान छपरा मोतिहारी वाली बस जा रही है यहाँ से कुशीनगर 52 किलोमीटर, वाराणसी 260 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 260 किलोमीटर, लखनऊ कितना है 250 किलोमीटर। आगे होटल रेडिसन ब्लू बाइक गार्ड वगैरह नहीं आ रहा। और बाबा बढ़िया सब? चलिए कैसे वो गुड़िया बाबा बड़का वाला? हाँ 350 का ले से कम हो जाएगा। आधा लोग बोलते हैं 400 का 250 सीधे हो गया। 450 बोले थे। हाँ 250 पर लेके आधा दाम देते बताइए। इसीलिए हम लोग भाव बढ़ा के बोलते नहीं बढ़ाएंगे तो अगर रिटेल दाम बढ़ा बताएंगे तो बोलेंगे कि इतना। सही बात है, सही बात बोल रहे हैं। अब उसमें कम करते करते अपनी डिटेल दाम पर आ जाएंगे तो दे देंगे। नहीं आएगा तो अब देखो 350 बोले एक आदमी 100 रुपये दे रहा है, 125 का तो खरीदी रेट है तो 100 रुपये में देगी खर्च भरना पड़ेगा। सही बात है, आधा से भी कम बोलते हैं। कहाँ से थे बाबा आप? गोरखपुर से ही हैं? हाँ नहीं, हम बनारस से रहने वाले। बनारस से रहने वाले? काशी बनारस से हैं। कहाँ ऐसे गोरखपुर में आ गए थे? बेचने के लिए। घर परिवार आपका काशी में ही है? आप अकेले यहाँ रहते हैं? चलिए बढ़िया है। घर आना जाना रहता होगा? 1943 का जन्म है हमारा। 1943 का 1943 मगर अभी तक हम मेहनत से कमाए, घर बनाए, मकान बनाए, लड़कों को पढ़ाए लिखाए, शादी हुआ सब। आपका जन्म 1943 का है? आप तो बहुत आज़ादी से पहले के हैं। हाँ 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ तब तो आप तो मार काट देखे होंगे तब तो। नहीं 1942 में आंदोलन हुआ था हमारे चंदौली जिला। अच्छा आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट सामने पड़ता है वाराणसी के बगल में। पहला फर्स्ट थाना फिर फूका गया था नंबर गाजियाबाद गाजीपुर में। हाँ गाजियाबाद वही थी। 1942 में वो आंदोलन हुआ, उसके आंदोलन की एक साल बाद हमारा पहला
जब 15 अगस्त 1942 में क्रांति आंदोलन हुआ, 15 अगस्त 1942 में क्रांति आंदोलन, 1947 से देश आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1947 आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तब लोग आप तो बहुत बूढ़ पुरानियाँ बनाई हैं, बहुत बूढ़ पुरानियाँ हैं आपका। क्या मैं आपके लिए नहीं, आपका 80 साल आपकी उम्र। हाँ हाँ वैसे 80 साल हो ही नहीं गए, एक साल कम लगे और 2-3 महीना कम, 2-3 महीने के बाद 80 लग जाएगा आपको। यहाँ पढ़ते हो? हाँ बाबा, मैं गया था कॉलेज पढ़ने, आज मेरे कॉलेज की छुट्टी हो गया था। नहीं, अगर रामायण के विषय में आप पूछेंगे रामायण बता दीजिए, रामायण के विषय में बता लिया। आ जाए, हम आपका वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे, टेंशन ना लीजिए, ताकि आपको याद करेंगे ना, कोई हमको मिला था रास्ते में। जैसे कहा है जब परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का विहीन कर दिए, क्षत्रियों को मार करके धनुष को एक जगह इकट्ठा कर दिए, तो पृथ्वी जैसे कि कोई सामान्य खड़क से तो ओजन हो जाता है ना, वैसे पृथ्वी पूरा देश भर का राजाओं को क्षत्रियों का मार करके धनुष एक जगह इकट्ठा करके बनाई दिया था। पृथ्वी माता को बहुत कष्ट हुआ, ओजन हुआ, वो पृथ्वी माता और शीर्षा अवतार लक्ष्मण जी लड़का बनाए आज अपना माता बन के परशुराम जी के आश्रम में गई, बोली कि तब महाराज हमको थोड़ा सा, हम दुखिया हैं, एक हमारे पास बच्चा है, हमको थोड़ा आश्रय दे देते तो कुछ दिन से दिक्कत थे। तो परशुराम जी बोले ठीक है रहो, पृथ्वी माता बोले कि लड़का जो है हमारा बड़ा उत्पादी, आप बहुत क्रोधी, अगर कोई गलती करेगा तो आप मार देंगे, ये वचन दे दीजिए कि हम कोई भी गलत काम करेगा उसको उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। बोले ठीक है जाओ, हम क्रोध नहीं करेंगे, उसका क्रोध से माफ कर देंगे। तो कर चले गए सुमेर पर्वत पर तपस्या करने। इधर लक्ष्मण जी क्या किए कि पूरा धनुष को तोड़ के कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर फेंकने लगे। लक्ष्मण जी लड़का का रूप धारण करके आए थे, तो वही जब सीता स्वयंवर में जब धनुष राम ने तोड़ा तो परशुराम जी बड़ी क्रोधित हुए। वही लक्ष्मण बोले कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई कबहू ने शरीर की मुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु रे भृगुमुनि केतु। तो क्या बोलते कि बहुत धनुष हमने तोड़ा बचपन में, मगर इतना क्रोध नहीं हुई। तो क्रोध में होकर के परशुराम जो रे निर्वाल काल बस बोलत कहीं नहीं सफार, धनु ही समझ त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि त्रिपुरारी शंकर जी के धनुष के समान सब धनुष है। नहीं नहीं, शंकर जी का धनुष तो सबसे अलग है। मुंबई में राम तोड़े थे, क्या नाम था उनका? पिनक जनक? नहीं नहीं, धनुष का नाम क्या था? पिनक। और कुछ जैसे तब उसी समय में बार बार फरसा उठाए मारने के लिए, फरसा उठी नहीं रहा था क्योंकि तो भगवान का अवतार था। तो बोले कि हम इसी फरसा से सहसा पांव का संहार किए, 100 भुजा वाले सहसा पांव को मारे, आज हमारा फरसा क्यों नहीं उठ रहा है? उनको याद है विष्णु भगवान, जब विष्णु विष्णु भगवान इनको अपना धनुष दिए थे और बोले थे कि जब हमारा अवतार होगा तो समझना ये जो धनुष को चढ़ा देगा समझ लो कि हमारा अवतार होता है। तो वो बोले कि कैसे बोले राम रमापति कर धन लेहू, राम रमापति कर माने हाथ, राम रमापति कर धन लेहू,
और खैचत चाँप मिटे संदेह, ये धनुष को आप चढ़ा दिए तब कि हमारा संदेह मिट गया। तो राम ने धनुष से चढ़ाए तो परशुराम जी को प्रणाम करके फिर अपना चले गए सिंगोरी पद पर, सुमेर पर्वत पर। सुमेर पर्वत अब तो पूरा बनारस खड़ा कर दिया समन्वय, अब तो पूरा बनारस खड़ा कर दिया सामने। चले बाबा तो बाबा यहीं बैठ के गुड़िया बेचते हैं, नीली पीली रंग बिरंगी गुड़िया बेचते हैं। अच्छी गुड़िया है, थोड़ा रेट हाई फाई है पर मार्जिन भी लगाते हैं, अच्छा खासा रेट डाउन कर देते हैं। जब रेट हाई फाई भी है तो रेट डाउन भी कर देते हैं, तो दिखता भी दबा कर है, तो ठीक है। तो आप लोग आ सकते हो, गुड़िया खरीद सकते हो, भाई बाबा का भी बिक्री होगा तभी तो पैसा वैसा उनको भी मिलेगा। और बढ़िया आबाद हर बाबा बहुत बूढ़ पुरानी है, बाबा कहानी उन्हें सुनाते हैं, अच्छा लगता सुनने में। आप लोग आकर के खरीदिए गुड़िया भाई लोग, ठीक है। इस पेडलेगंज के बगल में है बाबा का शॉप। पार बहुत हुई बात, फिर से सीधे निकल गया पेडलेगंज। यार जंगल दबा के चल भैया, खाली इधर। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।